हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कृष्णा पॉइंट। और मैं आज आपके लिए फिर दोबारा लेके आया हूँ एक नई वीडियो, और आपको कुछ सिखाने वाला हूँ। मैं आपको आज पीको सिखाने वाला हूँ कि उषा एलयू डिलक्स मशीन से पीको किस तरीके से की जाती है। कई लोग कंफ्यूज हैं और किस तरीके से की जाती है, कई वीडियोस देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरी वीडियो देखिए आप। इसमें आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें पीको करना चाहिए। ओके, मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा अच्छी तरीके से, ठीक है? तो ध्यान से वीडियो को देखें। तो फ्रेंड्स देखिए, सामने ये मशीन रखी हुई है हमारी, उषा एलो डिलक्स। ओके, तो अब हम इस पे पीको करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से धागा डालना है, ठीक है? धागा किस तरीके से डालना है और बॉबिन में किस तरीके से भरना है धागा, ठीक है? ये सब मैं बता चुका हूँ पहले ही। ओके, अगर आपको नहीं आता है तो आपको वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीको करने के लिए क्या है कि पहले हमें तीन काम करने होंगे। ओके, तीन काम करने के बाद ही हमारा वीडियो स्टार्ट हो पाएगा। तो पहला काम क्या है? पहला काम यह है कि हमें जो ये सेलेक्टर है, डिजाइन वाला जो सेलेक्टर है, इस सेलेक्टर में इसे हमें सी पर करना होगा, ठीक है? आपको दिख रहा है सी? ओके, तो ये सेलेक्टर सी पे करना होगा, ठीक है? फर्स्ट। सेकंड क्या है? सेकंड हमें जो हमारी स्टिच की लेंथ है उसको दो पे रख, एक 0 से 2 के बीच में रखना होगा। ओके, आप 2 पे रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी पीको आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो ये 2 पे रखना है, ये हमारे 2 काम हो गए। तीसरा काम हमें क्या करना है कि फुट चेंज करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा यहाँ पे फुट लगा हुआ है, ठीक है? तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये फुट लगाना पड़ेगा। देखिए आप, इसको रोलर डैम फुट भी कहते हैं, ठीक है? ये फुट हमारे पीको करने के काम आता है। ओके, दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली, ठीक है? ये मशीन के साथ में ही आएगा, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में 2 काम हम कर चुके हैं, थर्ड काम हमें ये फुट चेंज करना है। तो फुट चेंज करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डेमो में बताया था, उस तरीके से फुट चेंज कर लेंगे। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये नॉर्मल है तो लीवर से पहले हम इसको ऊपर ऊपर कर लेंगे, ठीक है? ऊपर उठाने के बाद हमें क्या करना है कि इस फुट को चेंज करना है। तो उसके लिए पीछे एक लीवर दिया होता है, उसको हल्का सा पुश करेंगे तो ये आपका फुट निकल जाएगा, ठीक है? आपको दिख रहा है ये नॉर्मल फुट है, इसको हमने हटा दिया है, ठीक है? हटाने के बाद हम ये वाला रोल डैम फुट लगाएंगे। ओके, ये पीको के लिए यूज होता है, जो कि मशीन के साथ में आता है, हमें खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसको लगाने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसका ये वाला जो होल है, इसका ये वाला जो होल है, ये वाला होल उस निडल के होल से मैच कराना होता है, उसके बिल्कुल सेंटर में रखना होता है, ठीक है? तो देखिए आप लोग, ऐसे करना है, उसके बाद में फिर इसको ऐसे करके नीचे पुश कर देना है, तो ये क्या होगा, इसमें लग जाएगा। ओके, देखिए लग चुका है, ठीक है? ओके, अब हम पीको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस पीको के लिए वैसे तो ये यूज किया जाता है पीको के लिए, बट अभी क्या है कि अगर मैं ये वाला धागा लगाऊंगा तो आप लोगों को पीको दिखाई नहीं देगा अभी, ठीक है? मैं इससे भी करके दिखाऊंगा आपको, बट पहले मैं आपको नॉर्मल जो धागा होता है ये वाला, ओके, इस वाले धागे से करके दिखा रहा हूँ आपको। और देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है कि देखिए, ये जो नीचे वाला जो धागा आता है, बॉबिन्स है, उसको ऐसे करके नीचे से पीछे कर देना है, ठीक है? उसके बाद में ये वाला जो धागा है, ओके, इस वाले धागे को हमें मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट निकाल करके। देखिए, ये जो फुट है, ओके, इस फुट में ये वाला, देखिए एक ग्रुप कटा हुआ है यहाँ से, ओके, दिख रहा है आप लोगों को? तो इसको क्या करना है कि धागे को इसके अंदर से लेकर के पीछे करना है, ठीक है? जैसे कि ये ऐसा हो जाएगा तो ये धागा इसमें से करके पीछे लेना है। ओके, मैं दोबारा फुट लगा दे रहा हूं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस ग्रूव में से धागे को पीछे लेना है, ठीक है? ये ऐसे किया, उसको ऊपर किया, और ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए, ये धागा, ओके, ग्रूव में से इस तरफ निकाल करके ऐसे पीछे कर देना है और इसको डाउन कर देंगे, ठीक है? अब हमें कपड़ा लेना है जिसमें हमें पीको करना है। तो देखिए, ये ब्लैक कलर का कपड़ा है, और देखिए ब्लैक कलर का कपड़ा है और सफेद रंग का मेरा धागा है, ठीक है? अब इस ब्लैक कलर पे करना है मेरे को। देखिए, ये जो ब्लैक कलर का कपड़ा है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको ऐसे करके हल्का सा इसको गोल कट कर मारना है, ठीक है? क्या करना है, ठीक है, गोल कट मारना है, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है कर्व, दिख रहा है ये वाला, दिख रहा है? तो इसको क्या करना है, हल्का सा गोल कट मारना है। गोल कट मारने से क्या होगा कि हमारी जो सुई है वो यहां से चलेगी, ओके, और इतना कपड़ा ही मुड़ जाएगा इसमें, ठीक है? ऐसे करना है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं।
जहां से हमने काटा था वहां पर हमें हमारी नीडल को ऐसे करके लगाना है, ठीक है। ये स्टेप बहुत ध्यान से समझना, अगर आपने स्टार्टिंग की स्टेप समझ ली फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। तो हमने ये नीडल कपड़े में अंदर डाल दिया है, ओके। अब हमें क्या करना है कि इस कपड़े को ऐसे करके उठाना है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, इस कपड़े को ऐसे करके उठाना है और ये जो राउंड सा था इसके बीच में लेके आना है। तो देखिए आप इस तरीके से करना है आपको, ओके, दिख रहा है, ठीक है। यही यही मेन है पीको में, अगर आपने ये सेटिंग सही कर ली तो आपका पीको बहुत ही बढ़िया होगा, ओके। अब क्या करना है आपको, इसको ऐसे करके ऊपर की साइड में, आपको मेरा हाथ दिख रहा है होगा, ऐसे ऊपर की साइड में इसको कपड़े को रखना है और दूसरी उंगली को कपड़े के इस साइड में रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमें चलाना है और ज्यादा पीछे हमें कपड़े को नहीं पकड़ना है, नहीं तो आपकी सेटिंग सही नहीं आएगी, ओके। देखिए इस उंगली से तो हमें कपड़ा दबा के रखना है ताकि कपड़ा अंदर की तरफ ना जाए, ठीक है, सही जाए। और ये वाला जो कपड़ा है, ये वाला, ओके, ये ऊपर के साइड में ऐसे हमें पास से पकड़ के रखना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए देखिए आप देख रहे होंगे इस बार एक उंगली से तो मैंने कपड़ा दबा रखा है, दूसरी उंगली से मैं इसको ऐसे करके कर रहा हूँ तो पिको हमारा होता चला जा रहा है, ठीक है। देखिए देखिए मैंने ऐसे उठाया हुआ है, ओके, ठीक है। कुछ करता तो देखिए फ्रेंड्स हमें इसको उंगली से ऐसे करके करना है और ये जो कपड़ा हमने इसमें डाला हुआ है ये ऐसे ही जाना चाहिए, ओके। अगर ऐसे नहीं जाएगा तो ये हमारा नहीं हो पाएगा। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए जो बैंड हिस्सा है आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा ही जाना चाहिए, तब जाकर के हमारा जो है पिको बढ़िया सा हो पाएगा, ओके। देखिए देखिए इस उंगली से जो मेरी लेफ्ट वाली उंगली है, राइट वाला जो हैंड है उस वाली उंगली से मैं इसको दबा के रखा हूँ कपड़े को ताकि वो उधर ना भागे, और राइट हैंड वाली उंगली से मैं कपड़े को इस तरह इधर पुश कर रहा हूँ ताकि वो आराम से कपड़ा इसमें अंदर रहे बाहर ना निकले, ओके। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए फ्रेंड्स ये पीको हो आपको निकाल के इसको, ओके। तो देखिए ये अभी जो आपको ये है, एक देखिए दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर दिख रहा है, देखिए कितना कितना अच्छा पीको हुआ है, देखिए आप लोग, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स ये देखिए आप, ये पीको जो हुआ है, ओके, ये मैंने अभी नॉर्मल धागा लिया है, ये पीको दिखेगा नहीं आपको। अगर आपको फैशन में अगर कोई अलग कलर में करके अगर आपको बॉर्डर दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने पहले धागा दिखाया था उस वाले से करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। मैं आपको अभी उससे भी करके दिखाऊंगा, ओके। देखिए ये आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा और बहुत बढ़िया पीको हुई है आपकी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ओके, ठीक। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला जो धागा है आपका, ओके, इस पीको करते हैं, ठीक है, इस वाले धागे से हम पीको करते हैं। तो मैंने इस वाले से इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा पीको, ओके। चलो मैं इससे भी आपको एक बार करके सैंपल दिखा देता हूँ, इससे करने से कैसे दिखता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला जो थ्रेड था, धागा था, मैंने ये डाल दिया है मशीन में, ओके। अब मैं आपको उस वाले धागे से करके दिखा रहा हूँ। देखिए पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे कर देना है, हल्का सा इसको काट देना है, ओके, ठीक है। काटने के बाद क्या करना है हमें, उसी तरीके से इसमें मशीन में लगाना है, ठीक है, और नीडल को कपड़े में, ओके, इस तरीके से कपड़े में डाल देना है नीडल को। उसके बाद में ये कपड़े का जो हिस्सा है इसको हमें वापस ये जो फुट है हमारी इस फुट में फंसा देना है, आप लोगों को दिख रहा है ना, इस तरीके से फुट में फंसाना है, ओके, ठीक है, इसे फंसाने से। और उसके बाद फिर हमें जो हमारा ये वाला हैंड है, ओके, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की फिंगर से इसको हमें ऐसे करके रखना है और राइट हैंड की फिंगर से हमें इसको ऐसे करके ऊपर उठा के रखना है, ओके। तो इस तरीके से रखोगे तो ये धागा इस वाले में चलता रहेगा, ये सॉरी जो कपड़ा है, इस तरीके से करने से ये कपड़ा इसमें चलता रहेगा और हमारी पीको होती रहेगी, ओके। तो देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड का जो फिंगर है, मैं इसको ऐसे कपड़े को दबाऊंगा यहाँ पे, ओके, और राइट हैंड वाले से मैं इसको ऐसे करूँगा, ठीक है, ठीक है। देखिए आप लोग, ओके, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से ये वाला जो कपड़ा है ऐसे करके जाना पड़ेगा, ओके ओके फ्रेंड्स। तो हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसको ऐसा करके, ठीक है, ऐसे करके फिर इसमें थ्रेड में से काट लेंगे, ओके। अब मैं आपको ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा हुआ है, देखिए इससे आपको धागा भी नहीं दिख रहा होगा, ओके, और बहुत बढ़िया हुआ है।
और अगर आप इससे भी अच्छा करना चाहते हैं तो आप सेम कलर का धागा मैच करके भी कर सकते हैं, तो उससे आपको धागा पता नहीं लगेगा। ओके देखिए, ठीक है, तो मैंने आपको बताया दो तरह के पीको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला तो मोटे नॉर्मल धागे से मैंने किया है, तो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल वाला धागा है। तो ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया था कि इस तरीके से पीको होती है, बट जो रियल में होती है वो पीको आपकी इस तरीके से ही होती है, ठीक है ना। देखिए आप ये लो, ओके ये देखिए, ठीक है, ये बहुत बढ़िया पीको है आपकी। तो इस तरीके से आप घर पे भी इस मशीन से पीको कर सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो इस तरीके से पीको की आती है। तो फ्रेंड्स, कमेंट में आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो क्या है कि मैं आपको हर चीज़ को बहुत क्लियरली समझाता हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है 10-20 सेकंड में एक्स्ट्रा ले लेता हूँगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा सिखाना कैसा लगता है। ओके, और ये जो थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? अगर प्रॉब्लम है तो जैसे और लोग दिखाते हैं वैसे मैं भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को बहुत जल्दी बोल करके। बट एक्चुअल होता है क्या है कि मैं खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि जब भी मैं कोई नई चीज़ देखता हूँ, किसी की वीडियो देखता हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। ओके, जल्दी जल्दी बोलने से क्या होता है कि वो चीज़ जो चीज़ हम नहीं देख रहे हैं, अगर जल्दी जल्दी बोलेंगे तो क्या होगा कि वो हमारे माइंड से मिस हो जाएगी, फिर हमें वीडियो को बार 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 रिपीट करना पड़ेगा। तो कई बार रिपीट करने से हमें समझ में आता है और कई बार रिपीट करने से नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं उसको उसी टाइम पर ऐसी कोशिश करता हूँ कि एक बार में ही आपको समझ में आ जाए। ओके, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरी लॉन्ग वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर जैसे दूसरे लोग बनाते हैं वैसी बनानी है। ओके, तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस मशीन से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और बाकी इसकी सारी वीडियोस आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।